CNBC अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े डंप यार्ड भलसवा लैंडफील्ड की हैं, जहां 26 अप्रैल को इस कूड़े के पहाड़ में आग लग गई, जो अब तक बुझ नहीं पाई है। 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो इस पर काबू पाया गया है और ना ही इससे निकलने वाले धुएं और जहरीली गैस पर। इस जलते कचरे के ढेर से निकलने वाला जहरीला धुआं और गैस यहाँ के स्थानीय लोगों का दम घोट रहा है। ये भलसवा कूड़े का पहाड़, इसमें आग लगी है पिछले एक हफ्ते से, जो मंगलवार को शुरू हुई, और आज ये धुआं कोई सामान्य धुआं नहीं है, ये टॉक्सिक है। इससे जो कचरे का धुआं निकलता है, जो गैसेस निकलती हैं, एक हफ्ते से यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। आज हम आए हैं यहाँ ग्राउंड पे पता लगाने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, सरकार क्या कर रही है, और सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ रहते हैं, स्थानीय निवासी, किस तरह से फर्क पड़ता है आए दिन इस धुएं को, इस आग को झेल पाना, क्या परेशानियां हैं, आइए पता लगाते हैं। तस्वीरों में दिख रहा है ये स्कूल भलसवा लैंडफील्ड के ठीक सामने है। यहाँ के स्थानीय बच्चे पैदा होते ही जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उन लोगों ने बताया कि इसके कारण स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। दिनों से हो रहा, आप क्या चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे इस बात पे? मैम, सरकार तो ध्यान देती नहीं किसी चीज पे। आते हैं, पब्लिसिटी करते हैं अपनी कि हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, कुछ बैन यहाँ पे, आप कुछ दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा मैम आपको यहाँ पे। क्या मुश्किलें आती हैं परिवारों को? वहाँ होता है मैम, सांस लेने में दिक्कत होती है बच्चों को मैम, खांसी होती है। बाकी माता जी से पूछिए। माता जी आप बताओ, छोटा सा आपका पोता ही है? नहीं, देवता है। तो आप बच्चों को, आपको कितने दिनों से यहाँ पे धुआं? 7-8 दिन से हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। देख रहे हो क्या हालात हो रही है, घर में जा रहा धुआं, परेशानी रहती है। परेशानी का बच्चों को होती ना परेशानी गले में, इसीलिए परेशानी होती है भाई बच्चों। क्या चाह रहे हो आप, नेताओं को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, जो होना चाहिए, एक बंद होना चाहिए ना खत्ता। हाँ, कितने सालों से ये मतलब आपको लगता है ये बहुत रेगुलर? नहीं, ये है 87 से। मैं 87 आई हुई थी, 90 के बाद नहीं, 90 से जब तब से शुरू हुआ है। हाँ, मैं आई हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब से ही। बच्चे तो आपके साथ हैं, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि जो लोग आप आसपास रहते हैं, कितना मुश्किल होता है ऐसी जगह पे रहना? नहीं, मुश्किल तो है ही काफी ज्यादा। आप देख रहे हैं किस तरह से ये धुआं, और रात में तो ये आग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ बढ़ जाती है, और बस ये है कभी डायरेक्शन चेंज हो जाता है और दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जब हमने यहाँ के नेताओं और लैंडफील्ड साइट पर चल रही योजनाओं के बारे में स्थानीय लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि काम तो कोई नहीं करता, हर कोई बस वादा करके चला जाता है। नेता आता है, कोई कहता है हम आपको पूरा, हमारा भरोसा रखो, हम सब बदल देंगे, ऐसे तो बहुत आते हैं, अपना वो बना के चले भी जाते हैं कोई। हाँ, वोट लेके चले गए, कोई सुधार नहीं किया उनने। प्रॉमिस सब नेता करते हैं? हाँ, सब प्रॉमिस करते हैं, खाली कोई वो मतलब कि काम नहीं करते हैं। हाँ, प्रॉमिस सब करके जाते हैं कि हम यहाँ से तुम्हारी सेवा करेंगे, यहाँ से प्रदूषण हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर कोई काम नहीं करते, मगर यहाँ वोट ले लेके चले जाते हैं बस। हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और मेन सेंटर में है मोदी जी की सरकार, तो क्या कहोगे सरकारों को? क्या कहेंगे, अपने जेब भरते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब आम आदमी को देखो ना, हमको देखो, कैसे हम रहते हैं, कैसे प्रदूषण झेलते हैं, कैसे जीते हैं, अपने तो कोठी महल में बैठे हैं, हमारा आके देखो ना हम कैसे जीते, पूरे दिन चेहरे पे मास्क, अपने तो एसी में बैठे जाके, हमारे ऊपर बीत रहे तो हमको पता है ना, वो तो खाली आएंगे भाषण दे जाएंगे, उनका काम हो जाएगा, वोट लेके चले जाएंगे। कुछ घंटों ही हम यहाँ भलसवा में रहे हैं और सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, आँखों में दर्द है, स्किन में आपको पता लग जाता है कि धुएं में और टॉक्सिक स्मोक जो है उससे कितनी परेशानी हो रही है। आप उन लोगों का सोचिए जो यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, क्यों जो कंट्री का कैपिटल है उसमें किसी को भी ऐसे रहने के लिए मजबूर किया जाए। ये जो कचरे का ढेर है, ये आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर, जो अभी बीजेपी देख रही है। नॉर्थ एमसीडी को फाइन भी लगा, उस पर सवाल भी उठाए गए, दिल्ली सरकार ने फाइन भी थोप दिया।
दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, सेंटर में सरकार है नरेंद्र मोदी की, देख सब रहे हैं, पता सबको है। पॉल्यूशन कंट्रोल को भी अब ये बोला है, एक रिपोर्ट उन्होंने दिल्ली सरकार को दे दी गई है। हर हम देखा जाए तो सरकारों के अंडर इंस्टीट्यूशंस हैं, पर फैक्ट यही है कि कचरे का ढेर खड़ा है, उसमें आग लगती है, धुआं लगता है, प्रदूषण होता है, लोग सफर करते हैं, और जैसा कि लोग कहते हैं, नेता ने सुना और आगे चल दिए। इसी बीच दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारी पिछले 7 दिनों से बिना रुके और बिना थके लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन गर्म मौसम और हवा चलने की वजह से आग लगातार सुलग रही है। आग लगने के बाद से अब तक फायर सर्विस की लगभग 80 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगाई जा चुकी हैं और हर वक्त 5 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने का काम कर रही हैं। ये भलसवा कूड़े का ढेर जिसमें अभी आग लगी है, ये आता है MCD के अंदर जिसमें अभी भाजपा की सरकार है। जो ये एरिया है जहाँ पे गंदा पानी है, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, और वो गंदा पोल्यूटेड प्रदूषित पानी जो यहाँ के लोगों को पीना पड़ रहा है, वो एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है दिल्ली सरकार के अंदर, जो अभी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। जब नेता अभी आपस में झगड़ रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है, ये फायर फाइटर्स दमकल कर्मी अपने काम पर जारी है, अपनी जिंदगी को लिटरली दाव पे रख के इस ढेर को बुझाने की कोशिश। ऊपर भी कुछ वर्कर्स लगे हैं, ये वो आग बुझा रहे हैं जो हमारे नेता और इंस्टीट्यूशंस समय पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी लानी है, किस तरह से ये इंसिडेंट्स ना हो। याद रखें, लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं, रोजाना ये धुआं और इससे जो निकलती हुई प्रॉब्लम्स हैं इस टॉक्सिक कूड़े से, वो गैसेस जो निकल रही हैं, वो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको झेलना पड़ रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट सरकारों को, इंस्टीट्यूशंस को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि क्या यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन है।